महोबा के व्यापारी इंद्रकांत की इलाज के दौरान मौत हो गई। कानपुर में इलाज के दौरान हुई मौत, कुछ दिन पहले अज्ञात लोगों ने मारी थी गोली। वीडियो वायरल होने के चंद घंटे बाद ही हमला हो गया। परिवार ने तत्कालीन एसपी मणिलाल पर आरोप लगाए हैं। तत्कालीन एसपी के कहने पर पुलिस वालों ने की हत्या, ये परिजन कह रहे हैं। परिजनों ने भी अपनी जान को अब पुलिस वालों से खतरा बताया है। इंद्रकांत ने रंगदारी न दी तो उसकी हत्या हो गई, और इससे पहले इंद्रकांत ने रंगदारी न देने पर अपनी जान को खतरा बताया था। आईपीएस मणिलाल पाटीदार और सुरेश सोनी पर आरोप लगाया था। मणिलाल के खिलाफ 307 के तहत केस दर्ज हुआ है, लेकिन अभी भी इस पूरे मामले से बादल छठे नहीं है, क्योंकि जिन पर आरोप लगे पुलिस ने स्थिति साफ की नहीं। आखिर इंसाफ कब मिलेगा, ये सवाल अभी बरकरार है। अगर इस बीच में मेरी हत्या होती है या मुझे कोई खरोच भी आती है तो इसके पूर्ण जिम्मेदार पुलिस अधीक्षक मणिलाल पाटीदार व सुरेश सोनी होंगे, कि ये दोनों लोग पिछले एक साल से मेरे पीछे पड़े हुए हैं और मुझे किसी तरीके से तोड़ना चाहते हैं। यहाँ पर पोस्टमार्टम के लिए बॉडी आई हुई है, पंचनामा हुआ था, पंचनामा वहाँ लिख लिया गया। यहाँ पर मजिस्ट्रेट साहब बोले कि मैं पंचनामा करूंगा। कमरे में इंस्पेक्टर साहब चले गए, मजिस्ट्रेट साहब चले गए। अब कमरे में क्या लिख लिया, कागज दे के जाने लगे, न बॉडी खोली गई न कोई बात हुई। अरे हमको दिखाइए तो कम से कम, आपने क्या राय दी अपनी, हमारी राय लिखी हुई है, आप दिखाइए क्या राय लिख के दिया आपने, क्या नहीं। मजिस्ट्रेट साहब कुछ बोले ही नहीं, बोले पहले तो कह रहे थे बाहर जाइए आप, बोले पहले टेलीफोन से बात करते थे, पता नहीं किससे बात करते, इसके बाद फिर ये होने लगा। हमें लग रहा है कि यहाँ भी जो है, यहाँ भी हैरेसमेंट होने का फैसला हो रहा है। पूरा प्रशासन जो है एकजुट होकर हैरेसमेंट करना चाहता है, पूरा जो है प्रशासन मिल करके जो हैरेसमेंट करना, चूंकि एसपी महोबा के खिलाफ रिपोर्ट है, इसलिए जो है हर तरीके से जो है हमें प्रताड़ित किया जा रहा है। हेलो हेलो, हाँ अरे बीडी महाराज, यहाँ कह रहा हूँ। हाँ यह महीना एसपी साहब कितना रुपए दोगे? है 5 लाख। हाँ और थाना एसओ साहब का जितना जाता है निकला जात तू? हाँ एक ही दोगे? हाँ और पहले कितना जात तो एसपी साहब के हैं? 6 हजार तो पहले। हाँ ये बारे कम होगा? हाँ ठीक। महोबा से खबर, व्यापारी की मौत के बाद परिजनों का हंगामा। 8 सितंबर को व्यापारी को बदमाशों ने गोली मारी थी। इलाज के दौरान व्यापारी ने दम तोड़ दिया। परिजनों और ग्रामीणों ने सड़क पर उतरकर बवाल काटा है। कबरई थाने का घेराव कर पुलिस मुर्दाबाद के नारे लगाए। आरोपियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर प्रदर्शन किया है ग्रामीणों ने और परिजनों ने। मृतक के परिजनों की एएसपी से तीखी नोकझोंक तक हुई है। परिजनों ने एएसपी पर लगाया अभद्र व्यवहार करने का आरोप। पुलिस की कार्यशैली पर महोबा में एक बार फिर से सवाल उठ रहे हैं। व्यापारी की मौत के इस मामले से अभी बादल छठे नहीं। क्या आखिर यह पूरा मामला है क्या, क्योंकि परिजन जिस तरीके से आरोप लगा रहे हैं, उन आरोपों में क्या बुनियाद है, किस आधार पर पुलिस काम कर रही है, कोई भी बात सामने आ नहीं रही। हमारे सहयोगी पंकज जुड़ रहे हैं महोबा से हमारे साथ, और गगन मिश्रा लखनऊ से जुड़ रहे हैं। सबसे पहले पंकज के पास हम महोबा चलते हैं, इस पूरे मामले का अपडेट लेते हैं। पंकज, जिस तरीके से हो हल्ला, परिजनों का हंगामा, अब सियासी रुख भी इस मामले निकल लिया है, लेकिन क्या कुछ अपडेट आपके पास है? व्यापारी इंद्रकांत को कब इंसाफ मिलेगा, इंसाफ मिलेगा फिर या फिर नहीं, क्योंकि जिस तरीके से परिजन आरोप लगा रहे हैं, उन आरोपों में कितना दम है और किस बुनियाद पर वो आरोप लग रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि कबरई कांड दिन पर दिन गर्माता जा रहा है। आज परिजनों ने जमकर कोतवाली के बाद हंगामा भी किया। परिजनों की मांग है कि जल्द एसपी की गिरफ्तारी हो और जो भी दोषी लोग हैं उन पर सख्त कार्रवाई हो और उन्हें जेल भेजा जाए। जिसके बाद परिजनों जो है उनके दो सदस्य टीम जो दो लोग थे उनको एडीए और आईजी ने अपने पास बुलाकर उनसे बातचीत की और उनसे समझा और उनका हालचाल जाना कि क्या आखिर उनकी बात थी। अब एडीजे जो सुबह से लगभग 2 दिन से 48 घंटे से महोबा में क्रूज किए हुए हैं और वो लगातार इस बात की पड़ताल कर रहे हैं कि आखिर इस बात को लेकर क्या विवाद हुआ था और आखिर इस मामले के पीछे कितने लोग दोषी हैं, वो कोई दोषी बच ना पाए, इसको लेकर 48 घंटे से लगातार जो एडीजी जोन है प्रयागराज हैं और आईजी बांदा हैं
वो लगातार इस मामले पर पूरा मंथन कर रहे हैं और मंथन के बाद रिजल्ट देने की बात कह रहे हैं। चूंकि ईसी की भी बात आई है कि कुछ देर में इस बात का खुलासा किया जाएगा कि इसके पीछे कौन लोग थे जिन्होंने इस हत्या को अंजाम दिया है इस पूरे मामले पर। बने रहिए हमारे साथ आप, क्योंकि 48 घंटे हो गए और पुलिस वाले ही यहाँ आरोपी हैं, पुलिस वालों पर ही आरोप लग रहे हैं परिजनों के, और ये जानना बेहद जरूरी है। और वही जांच पुलिस कर रही है जो 48 घंटे से टीम बनाकर जांच पड़ताल चल रही है उसमें क्या है। गगन मिश्रा लखनऊ से हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। गगन, लखनऊ तक ये बात अब पहुँच गई है और इस पर अब सियासी रुख भी हम देख पा रहे हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और कांग्रेस विधायक दल की नेता को रोका गया है महुआ जाने से, किस तरीके से हलचल है और क्या लग रहा है? देखिए पंकज, अंदाज़ा लगाइए कि अगर यह आरोप किसी आम आदमी या किसी अपराधी पर लगा होता तो अभी तक महोबा पुलिस उसका हाफ एनकाउंटर कर उसको जेल भेज चुकी होती। लेकिन यह आरोप लगा है एक आईपीएस अधिकारी, वो भी उसी जिले का एसपी रह चुका है, उस पर आरोप लगता है हत्या करने का। उसके बाद अब क्योंकि इंद्रकांत त्रिपाठी की मौत हो चुकी है तो अब 302 की भी धाराएँ बढ़ाना बिल्कुल लाजमी है और बढ़ेगी भी। लेकिन आईपीएस अधिकारी मणिलाल पाटीदार की गिरफ्तारी कब होगी? चलिए माना कि मणिलाल पाटीदार के ऊपर के जो अभी आरोप लगाए वो सिद्ध नहीं हो सके, लेकिन जिन पर आरोप लगे हैं, चाहे वो आंसू भदौरिया हो जिसने फोन करके ये कहा हो कि राजा साहब तक आप पैसा पहुंचा दीजिए, क्योंकि राजा साहब जो उभर कर आ रहा है वो ये कहा जा रहा है कि मणिलाल पाटीदार के लिए ही राजा साहब का शब्द प्रयोग करते थे वहां के व्यापारी। तो आखिरकार अभी तक किसी को डिटेन क्यों नहीं किया गया है? आईपीएस अधिकारी मणिलाल पाटीदार को क्यों नहीं डिटेन किया गया है? उनके खिलाफ दो एफआईआर दर्ज हुई हैं, एक भ्रष्टाचार निवारण के अधिनियम के चलते सरकार ने एफआईआर दर्ज कराई है और एक इंद्रकांत त्रिपाठी ने जो कि के भाई ने एफआईआर दर्ज कराई है जिसमें 307 की धारा लगाई गई है। तो आखिरकार अभी तक सिर्फ उनके परिवार को समझाने के अलावा, इंद्रकांत त्रिपाठी जो मृतक हैं उनके परिवार को समझाने के अलावा मणिलाल पाटीदार से क्यों नहीं पूछताछ हुई है? आखिरकार उनको क्यों बचाया जा रहा है? क्यों उनके अधिकारी उनसे पूछताछ नहीं कर रहे हैं? क्या चाहे जो बात निकल कर आए वो मणिलाल पाटीदार क्या कहते हैं कि उन्होंने उस पर गोली चलवाई कि नहीं चलवाई, लेकिन जो टाइमिंग है उसको ध्यान में रखते हुए प्रेम प्रकाश जो एडीजी जोन है जो खुद पूरे मामले को लीड कर रहे हैं, तो आखिरकार क्यों आईपीएस अधिकारी मणिलाल पाटीदार से पूछताछ नहीं हो रही है? गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है? बड़े सवाल हैं और बड़े झोल हैं इसमें। आप बने रहिए गगन हमारे साथ। महोबा में एक व्यापारी जिसका नाम इंद्रकांत, वो व्यापारी अब इस दुनिया में नहीं है। उस व्यापारी ने अपनी मौत से पहले, जब उस पर हमला हुआ उससे पहले, एक वीडियो तक वायरल किया और अब उसके परिजन पुलिस महकमे पर और पुलिस के जिम्मेदार अधिकारियों पर कुछ सवाल कर रहे हैं, और ऐसे में उन अधिकारियों पर, उस आईपीएस अधिकारी पर एफआईआर भी दर्ज हुई है, मुकदमा दर्ज हुआ है, लेकिन अभी तक पुलिस इस पूरे मामले से पर्दा उठाने में नाकामयाब रही है। महोबा से हमारे सहयोगी पंकज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लखनऊ से गगन जुड़े हुए हैं। पंकज, आपके पास आ रहे हैं, तमाम बातें गगन ने बताई जो बातें लखनऊ वालों को पता है, लखनऊ तक पहुँच चुकी हैं और तमाम खेल समझ में आ रहा है। ऐसे में क्या महोबा पुलिस कर रही है, क्या कह रही है, क्यों आखिर इस आईपीएस अधिकारी को बचाया जा रहा है, कौन बचा रहा है? जी बिल्कुल, देखिए पंकज, मैं आपको बता दूं कि जो आईपीएस अफसर पर आरोप लगे हैं वो बेहद संगीन है, क्योंकि महोबा में एक भ्रष्टाचार का पहले मामला दर्ज होना और दोबारा एक भ्रष्टाचार और 307 और 820 बी के तहत मामला दर्ज होना दोनों ही बेहद संगीन है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जो यूपी की सरकार है उसने मुख्यमंत्री ने यहाँ के आईपीएस को सस्पेंड कर दिया, लेकिन जो आईपीएस के द्वारा बिठाए गए जो थानेदार हैं या उनके जो अधीनस्थ कर्मचारी रहे हैं उन पर अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं हुई है, क्योंकि जो एक चेन होती है उस चेन के तहत भ्रष्टाचार किया जाता है, बिना चेन के भ्रष्टाचार करना संभव नहीं होता है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि जो भ्रष्टाचार की चेन है उसको तोड़ने के लिए जो नए आईपीएस हैं या जो अन्य अधिकारी हैं वो आखिर कब इस मामले पर आएंगे, क्योंकि अब जांच कराना बेहद ही साफ है कि इसकी जांच जो है वो परिवारजनों की मांग है कि वो सीबीआई से मांग कराई जाए, जिसके बाद ये साफ हो पाए कि इसमें आरोपी और दोषी कौन है। तो इस बात का भी एक बड़ी बात है कि जो परिजनों की मांग है कि सीबीआई जांच हो तो शायद इसे साफ हो पाएगा कि इसके पीछे क्या आईपीएस मणिलाल पाटीदार हैं या इसके साथ साथ अन्य और भी लोग हैं जिन पर आरोप नहीं लग पाए हैं या जो इस जाल में और भी थे, चेन में थे। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पंकज आपका इस जानकारी के लिए, आप नजर बनाए रखिएगा। गगन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।
तो इस मामले में सवाल जवाब का सिलसिला होता रहेगा, क्योंकि इस पूरे मामले ने अब सियासी रुख भी लिया है, सियासी मोड़ आया है इसमें। महोबा मामले में अखिलेश यादव का ट्वीट सामने आया है। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है और उस ट्वीट के जरिए लिखा है, सरकार पर निशाना साधा है, बीजेपी शासन में व्याप्त भ्रष्टाचार का भंडाफोड़ करने वाले व्यापारी श्री इंद्रकांत त्रिपाठी की हत्या ने साबित कर दिया है कि शासन की ठोको नीति, पुलिस प्रशासन के फेक एनकाउंटर, विपक्षी राजनीतिज्ञों के ऊपर झूठे मुकदमों की भाजपाई नीति से उत्तर प्रदेश किस गर्त में चल रहा है। ये प्रियंका गांधी ट्वीट करके लिखती है, महोबा के व्यापारी श्री इंद्रकांत त्रिपाठी की हत्या पूरी उत्तर प्रदेश सरकार की कार्यशैली पर सवाल है। बीजेपी सरकार में अपराध और भ्रष्टाचार चरम पर है। इस सरकार के अफसर भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने वालों की सुपारी दिलवा रहे हैं। जंगल राज का